कृपा अवे
परम धाम श्री राम उल्लेखित हो
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि पेज 369 मार्कंडेय गुणी मुनि मौनी मोहन रो रहता निमिषारण्य में सहता छाया दो भक्ति भजन से राम को भजता जो है एक सर्वाधार भगवान जो लेकर उसकी टेक पूछा कुंती पुत्र ने उसे कहो मुनिराज शुद्धि शोच के भेद को हो कृपा मैं आज मुनि बोला यह शोच है सत्य वचन को धार हित प्रीति पर सेवा हो राम भजन सुखकार सुजन सच्चा शुचि समझिए करे शुद्ध व्यवहार कर्म शुद्धि सेवा कही करना शुभ उपकार जल आदिक से शुद्ध हो रखे स्वच्छ निवास घर आंगन सब शुद्ध हो यही शुद्धि सुख रास साएं प्रातः सिमरिए गायत्री का सुपाठ वेद ग्रंथ का पाठ भी समझ शुद्धि का ठाठ इससे आत्मा मन सभी शुचि हो जावे अंग श्रद्धा हो भगवान में भक्ति रहती अभंग राम जाप जो जन करे नगर गाम वन बीच तीर्थ हो जहाँ हो वह तारे अधर्मी नीच वह वन बने सुनगर ही बसे भक्त जिस स्थान पावन वह प्रदेश हो जहाँ करे वह ध्यान पवित्र पानी पवन में करे नित्य शुभ स्नान पुण्य पाठ हरि नाम का संत सुभाषण जान ये तीनों है कर्म शुभ तथा
अति एक सत्य मृदु हित बोलना पावन कर्म अनेक जिसका मन मैला रहे निर्मल हो न विचार उसके तप संयम कर्म समझो सर्व असार देह सुखाना तप नहीं भूखा रहे न जान जाप दान उपकार शम सेवा को तप मान दया सुभक्ति उदारता निर्भयता के काम आत्म शोधक तप कहे कर्म करना निष्काम ऐसे सदुपदेश से उत्तम मुनि गुणवान उत्तम पद को पा गया उच्च धाम सुख खान कौशिक नाम तपोधन ज्ञानी विधि वैदिक जिसने सब जानी बसता वन में तरु के नीचे करता कर्म धर्म के ऊंचे पर था मान को अपने घेरा रहता बना क्रोध का डेरा उस तरु पर पंछी की जोड़
शांत हुआ वह परिचय पाके नम्र बना सब मान मिटा के बोला देवी यह विद्या कैसे आवे जिसके है फल ऐसे जान जाए पर मन की लीला मुझे सिखाइए यह सुशीला वह बोली यह फल है सारा गृह धर्म का जो है प्यारा कर्म योग की करना करनी यही विद्या है मन मल हरणी आए न निश्चय मिथिला जाओ वृद्ध व्याध शरण को पाओ है वह आत्म ज्ञानी योगी भक्ति प्रेम अमृत रस भोगी चलता वह मिथिला में आया स्थान व्याध का उसने पाया हाड़ चाम का था व्यापारी वृद्ध व्याध शुभ भक्ति धारी स्वागम उसे मुनि ने सुनाया उसने कहा अभी मैं आया उसे प्रिय थे सुपिता माता उनकी सेवा में था राता चिर कर बाहर शोभा लाया मुनि ने उसको शीश नवाया देकर आसन अर्घ सुपानी कुशल पूछ बोला वह वाणी धन्य कर्म मेरा है ऐसा मिला सुजन मुनिवर तुझ जैसा कहो हुआ किस कारण आना दास द्वार पर दया दिखाना मुनि बोला मैं सुन कर तेरी महिमा भक्ति की ही घनेरी आया सीखने हूँ यहाँ ही साधु साधन कहो जहाँ ही देकर दान विधान बताओ बाह पकड़ सुपथ में चलाओ उसने वचन कहे सुखदाई व्याध नाम की गीता गाई कर्म धर्म का मर्म ही खोला अन्य धर्म दिखलाया बोला महाभारत में है यह गाथा जिसे जान हर से ही अमाथा बोला व्याध सुनो मुनि मेरी कर्म कथा जो हो रुचि तेरी कर्म धर्म मैंने है जाना पूजन जननी जनक बखाना है मम वृद्ध पिता सुमाता उन्हें सेव कर हूँ सुख पाता उनको कष्ट ना योग को जो जन साधे
तुम्बे जय नंदे जय नंदे जय जगदंबे जय नंदे जय जगदंबे जय नंदे जय जगदंबे सर्वशक्तिमान।